सो हाय गाइस, तो मित्रों और मित्रणियों, अपकमिंग टाइम पे गेम के अंदर आपको बहुत सारे बेहतरीन इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर से हमको काफी सारे बेहतरीन गन स्किन बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे और वो भी परमानेंट। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ गाइस, तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने फ्री परमानेंट गन स्किन के बारे में। क्या उसके अंदर हमारा MP40 का गन स्किन शामिल है या फिर नहीं है, आज वो भी बताऊंगा। एंड साथ में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने पोकर MP40 रिटर्न के बारे में, कब तक गेम के अंदर पोकर MP40 बैक आने वाले हैं। और तो और इसके अलावा गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे इवोल्यूशन का 2.0 के बारे में, अपने गेम के अंदर जो नेक्स्ट इवोगन आएगा क्या वो इवोल्यूशन का 2.0 है या फिर और कुछ है, आज वो भी बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। हालांकि गाइस, अपडेट सर इतने भी खत्म नहीं होता, बात करेंगे अपने रिटर्न M1007 गन स्किन के बारे में, कौन कौन से M1007 को अपने अपकमिंग टाइम पे गेम के अंदर बैक कराए जाएंगे। साथ ही में गाइस, आज हम बात करेंगे अपने ओल्ड ब्लैक टीशर्ट रिटर्न के बारे में। अपना जो ओल्ड ब्लैक टीशर्ट है, आप लोग तो जानते हो, उसको अभी तक अपने गेम के अंदर दिया नहीं गया है, तो भाई कब तक अपना ओल्ड ब्लैक टीशर्ट गेम के अंदर आएगा, आज ये भी बताऊंगा। और भी बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, आप लोग बस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देख लीजिएगा बिना स्किप करके। ठीक है समरिया, तो आओ गाइस अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शुरुआत करेंगे हम अपने ब्लैक टीशर्ट से। गाइस देखो, आप लोगों को तो पता है कि भाई अपने मॉनसून के थीम पे हमको एक नया ब्लैक टीशर्ट अपने गेम के अंदर देखने को मिला था, और उस टाइम पे हमको जो है व्हाइट टीशर्ट भी अपने गेम के अंदर देखने को मिल गया था। लेकिन भाई अपना जो ओल्ड ब्लैक टीशर्ट था, उसको अगर ने बैक नहीं कराया है अभी तक। सो यहां पर गाइस आपको मैं एक टोकन व्हील इवेंट का रिव्यू कर रहा हूं, जो कि एक रिंग इवेंट है। बेसिकली यहां पर तीनों टीशर्ट को दिया गया था, न्यू ब्लैक टीशर्ट, ओल्ड ब्लैक टीशर्ट और साथ में व्हाइट टीशर्ट। और ये मॉनसून इवेंट जब अपने गेम के अंदर चल रहा था, उस टाइम पे ये इवेंट आया था अदर सर्वर में। बेसिकली गाइस को इनमें से दो आइटम ऑलरेडी अपने गेम के अंदर आ गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अपने ओल्ड ब्लैक टीशर्ट के बारे में, तो पहली बात गाइस को यहाँ पर तीनों टीशर्ट का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, आप लोग को स्पिन करने पर भी मिल सकता है, और मैं दूसरा बात आप लोग टोकन से भी इसको एक्सचेंज कर सकते हो। और यहाँ पर जो टोकन का प्राइस गाइस दिया गया है वो है 65 टोकन, चाहे आप लोग न्यू ब्लैक टीशर्ट लो, व्हाइट टीशर्ट लो या फिर अपना ओल्ड ब्लैक टीशर्ट लो, सबका यहाँ पर प्राइस सेम है 65 टोकन। तो ये बात तो गाइस सब लोग जानते हो, हर बार हमको रमजान इवेंट के थीम पे एक उइस इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलता है, और दिवाली के टाइम पे एक उइस इवेंट अपने गेम के अंदर आता ही है। मतलब ये दोनों इवेंट बिल्कुल कन्फर्म है, हर बार हमको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ दिन बाद रमजान इवेंट गेम के अंदर स्टार्ट भी होगा, जिसमें आपको रमजान का उइस इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जिसलिए गाइस चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप लोग को अपकमिंग टाइम पे रमजान इवेंट का टाइम पर अपने गेम के अंदर जो उइस इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, उसके अंदर गरना वाले जो है ब्लैक टीशर्ट को ऐड करा दे मैंने रेयर आइटम में, जो कि आपको प्रीमियम स्पिन करने पर देखने को मिलने वाले हैं। ब्लैक टीशर्ट और एक क्रिमिनल बंडल भी आ सकते हैं अपने रमजान उइस के अंदर। तो गाइस को यही एक चांसेस है जहां पर कि आपको ब्लैक टीशर्ट फिर से अपने गेम के अंदर बैक देखने को मिल सकता है। और अगर आपको रमजान उइस के अंदर देखने को मिलता है, तो भाई देखो ऑलमोस्ट आप लोग को 2000 डायमंड खर्च करना पड़ेगा रमजान उइस के अंदर, तब जाके आपको जो है ब्लैक टीशर्ट देखने को मिलेंगे रमजान उइस के अंदर से। लेकिन गाइस अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम वेट कर जाते हो, तो भाई देखो आने वाले टाइम पे आपको कुछ और भी इवेंट गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके थीम पे करने वाले जो ब्लैक टीशर्ट को गेम के अंदर बैक ला सकते हैं, जहां पर आप लोग कम डायमंड लाकर ब्लैक टीशर्ट को बाय कर पाओगे। बाकी आओ गाइस अब बढ़ते वीडियो में आगे, और यहां पर हम बात करेंगे अपने इवोल्यूशन का 2.0 के बारे में। एंड साथ में ये भी कंफर्म कर देने वाला हूं कि नेक्स्ट इवोल्यूशन गन गेम के अंदर कौन सा आएगा, क्या इवोल्यूशन का 2.0 उसमें शामिल है या फिर नहीं है। तो पहली बात गाइस को इवोल्यूशन का 2.0 के अंदर अभी तक कुछ चीजें ऐसी है जिसको ऐड नहीं किया गया, मतलब गन स्किन अभी तक पूरा तैयार नहीं है। अब गाइस ऐसा बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो बेसिकली गाइस को आप लोग यहां पर अपने इवोल्यूशन का 2.0 का रिव्यू देख पा रहे हो, जिसके अंदर की लेवल 1-2 को अभी तक ऐड ही नहीं किया गया कि ये लेवल 1-2 में देखने में कैसा होगा। सीधा गाइस का जो रिव्यू है वो निकल कर आता है लेवल 3 से। तो गाइस देखो इस बात से आप लोग ये अंदाजा तो लगा ही पा रहे हो कि भाई अभी तक गन स्किन को जो है पूरा तैयार नहीं किया गया है, लेवल 1-2 गाइस अभी तक हाइड है। और दूसरी बात, अभी तक आप लोग को मतलब इवोल्यूशन स्कार के अंदर जो इमोट होता है मैक्स लेवल का, उसको ऐड नहीं किया गया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि अभी तक बाकी है। बाकी यहां पर को मैं लेवल 4, 5, 6, 7 का जितने भी रिव्यू वगैरह है वो सब यहां पर मैं करा दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। डबल डैमेज एंड साथ में सिंगल रेट ऑफ फायर देखने को मिलने वाले हैं, कुछ इस तरीके से आपको किल इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे गन स्किन के अंदर। देखा जाएगा इसका कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा बढ़िया ही किल इफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है, साथ में जो फायरिंग इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, थोड़ा सा बड़ा फायरिंग इफेक्ट दिया गया इसके अंदर। एंड हम बात करें लेवल 6 की बात, तो भाई लेवल 6 में गन स्किन जो एकदम बहुत बड़ा बन गया है, देखने में काफी दमदार लग रहा है लेवल 6 का जो स्किन है वो। एंड भाई लेवल 7 की बात करें, जिस तरीके से आपको एक ट्रेलर देखने को मिल जाते हैं इवोल्यूशन स्कार के अंदर, कहीं ना कहीं देखा जाए भाई जो ट्रेलर है ये भी काफी देखने में दमदार लग रहा है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपको इफेक्ट एनिमेशन वगैरह ट्रेलर वगैरह देकर इवोल्यूशन स्कार 2.0 को लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट में गेम में। वैसे गाइस को मेरे पास अभी इतना ही रिव्यू था अपने इवोल्यूशन स्कार 2.0 के थीम पे, जैसे इसका जो मैक्स लेवल का इमोट है उसको अपने इवोल्यूशन गन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में लेवल 1-2 का जो रिव्यू है वो भी जैसे ही निकल कर आ जाएगा, फिर आपको मैं इसके ऊपर अपडेट देने वाला हूं कि असल में देखने में कैसा कुछ रहेगा लेवल 1-2 में एंड इसका इमोट कैसा है। बाकी गाइस यहां पर हम बात करें फिर नेक्स्ट में हमको इवोल्यूशन स्कार 2.0 देखने को मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, तो भाई देखो इस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि हम लोग को नेक्स्ट में इवोल्यूशन स्कार 2.0 देखने को नहीं मिलने वाले हैं, कुछ और ही इवोगन आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, शायद वो इवोल्यूशन AC-80 भी हो सकता है या फिर इवोल्यूशन G18 भी हो सकता है। बाकी गाइस अब देखते हैं करने वाले कौन से इवोल्यूशन गन को अपने नेक्स्ट में गेम के अंदर अवेलेबल कराते हैं। अगर मेरे हाथ में इसको ऊपर कुछ और लीक्स आता है नेक्स्ट इवोल्यूशन गन को लेकर, तो भाई उसको पर आपको मैं अपडेट जरूर दे दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आओ गाइस अब बढ़ते वीडियो में आ गया, और यहां पर हम बात करेंगे अपने पोकर MP40 रिटर्न के बारे में, कि अपना जो पोकर MP40 है करने वाले उसको कब तक अपने गेम के अंदर बैक कराएंगे। तो अब गाइस को कुछ टाइम पहले आपको बताया हूं कि भाई रमजान के थीम पे आपको अपने गेम के अंदर एक न्यू उइस इवेंट देखने को मिलने वाले है, और कुछ दिन पहले अपने गेम के अंदर जब दिवाली का इवेंट
इवेंट चल रहा था उस टाइम पे हमको दिवाली के थीम पे उस इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिला था। एंड दिवाली उसके अंदर हमको दो आइटम देखने को मिले थे, जिनमें था एक गोल्डन शेर बंडल और दूसरा था पोकार एमवी 40। हालांकि ये दोनों ही अपने इनक्यूबेटर का रिवॉर्ड है। वैसे गाइस ये दोनों मेन रियर आइटम था, इनको छोड़कर और भी 30-40 गन स्किन थे जो कि बिल्कुल परमानेंट था। एंड साथ में 30-40 बंडल भी थे जो कि बिल्कुल परमानेंट बंडल था। सारे का सारा बंडल काफी ज्यादा ओपी था जो कि आया था दिवाली उस के अंदर। और जो रमजान का उस इवेंट गेम के अंदर आएगा वो भी एक बहुत ही बड़ा एंड मेगा उस इवेंट रहेगा, जिसलिए आप लोग को रमजान उस के चलते आप लोग को अपने पोकार एमवी 40 रमजान उस के अंदर देखने को मिल सकता है, इसका चांस बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि दिवाली का जो उस इवेंट था वो भी एक बहुत बड़ा उस इवेंट था, जिसके अंदर हमको पोकार एमवी 40 का ब्लू वाला पोकार जो कि टॉप वाला पोकार एमवी 40 है वो हमको देखने को मिला था। एंड भाई रमजान का जो उस इवेंट है ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए आप लोग को रमजान इवेंट के अंदर ये पोकार एमवी 40 बैग देखने को मिल सकता है अपने रमजान उस में, जो कि परचेस करने पर ऑलमोस्ट आप लोग को 2-3 हजार डायमंड लगाना पड़ेगा या फिर उससे भी ज्यादा। बल्कि वैसे गाइस अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई आप लोग को योलो पोकार के जगह पर कुछ और गन स्किन वगैरह परचेस करना है जो कि ग्रीन पोकार हो गया, रेड पोकार हो गया या फिर कुछ और पोकार एमवी 40, तो भाई उसका प्राइस जो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को नेक्स्ट इनक्यूबेटर का इंतजार करना पड़ेगा जो कि रिटर्न इनक्यूबेटर आएगा। अब अगर अपने गेम के अंदर करने वाले कुछ 3-in-1 या फिर 2-in-1 इनक्यूबेटर को बैक कराते हैं तो भाई वहां पर आपको पोकार एमवी 40 देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि आपको रमजान के उस इवेंट के अंदर पोकार एमवी 40 बैक मिल जाए जो कि योलो पोकार रहेगा। तो बेसिकली गाइस यही कुछ अपडेट था अपने पोकार एमवी 40 को, आप लोग को अपकमिंग टाइम पे देखने को मिलने वाले। बाकी यहाँ पर हम बात करें रमजान इवेंट के बारे में, तो भाई को कुछ दिन बाद ही अपने गेम के अंदर रमजान का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपने गेम के अंदर से इलाइट एल्वारो का जो इवेंट होता है वो एंड हो जाएगा तो रमजान इवेंट गेम के अंदर आ जाएगा, जिसके कुछ दिन बाद ही आप सबको गेम के अंदर रमजान का उस इवेंट देखने को मिलने वाले है, और उस टाइम पे आपको जो है पोकार एमवी 40 अपने गेम के अंदर बैक देखने को मिल सकता है। बाकी आओ गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और यहाँ पर हम बात करते हैं बिल्कुल फ्री गन स्किन के बारे में, आपको बिल्कुल फ्री में गन स्किन कैसे कुछ देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस को रमजान इवेंट जब अपने गेम के अंदर आएगा उस टाइम पे आपको ये वाला वेक्टर का गन स्किन बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले, जो कि आप लोग को एकदम थोड़ा सा बेहतरीन वेक्टर गन स्किन देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन आप लोग को देखा जाए तो भाई नॉर्मल सा गन स्किन दिया गया है। बाकी बात करें गन के अंदर क्या कुछ एट्रीब्यूट दिया गया है, तो आपको एट्रीब्यूट में देखने को मिलने वाले हैं सिंगल रेंज और साथ में सिंगल मूवमेंट स्पीड। इसके अलावा गाइस पिछले साल हम लोग को ये वाला AK-47 का गन स्किन बिल्कुल फ्री में दिया गया था रमजान स्पेशल, तो भाई ये भी हो सकता है कि आप लोग को इस साल भी ये वाला AK-47 का गन स्किन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाए रमजान इवेंट के चलते। बात करें एट्रीब्यूट के बारे में, सिंगल डैमेज आपको मिलेंगे और साथ में सिंगल रेंज आपको देखने को मिलने वाले AK-47 के स्किन के अंदर। और तो और गाइस कुछ थीम गन स्किन आपको बिल्कुल परमानेंट देखने को मिलने वाले, जो कि आप लोगों को थीम गन स्किन रहेगा मतलब लेजेंडरी नहीं रहेगा। एंड साथ में गाइस जो लेजेंडरी गन स्किन है जैसे कि ड्रैगन AK वगैरह या फिर और भी जितने सारे लेजेंडरी गन स्किन अपने गेम के अंदर अवेलेबल है, उनमें से कुछ लेजेंडरी गन स्किन आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा बस कुछ दिन के लिए, मतलब कि 7 दिन हो गया, 3 दिन हो गया इस तरीके से, जो कि आप लोग लॉग इन करके ले पाओगे एंड भाई 3-7 दिन लेके उसको यूज कर पाओगे। बाकी फिलहाल गाइस को इतना ही मेरे पास अपडेट था अपने रमजान के थीम पे आने वाले फ्री गन स्किन को पर। अब आगे जाए करने वाले अगर कुछ और आइटम्स को डिजाइन करते हैं रमजान के थीम पे जो कि हमको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा, तो भाई आप लोग को और भी कुछ गन स्किन बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाले, लेकिन वो आगे जाके हमको देखने को मिलेगा। एंड भाई कुछ ओल्ड गन स्किन जो कि रमजान के थीम पे हमको पिछले साल गेम के अंदर देखने को मिला था वो भी अपने गेम के अंदर बैक आ जाएगा, और साथ ही में एक न्यू M1007 का स्किन भी आपको देखने को मिलने वाले रमजान स्पेशल, जिसका फर्स्ट लुक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर आप लोग को अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस मेरा वीडियो आज का यही तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।